बिताने वाले हैं 24 ओवर्स वो भी एक स्पेस शटल में। तो गाइस जैसे कि आपने द मार्टिन मूवी तो देखी होगी और यार उस मूवी में होते हैं अमेजिंग अमेजिंग स्पेस शटल। जी हाँ दोस्तों भाई वो सारे सारे स्पेस शटल होते हैं मंगल ग्रह पर बने हुए और वहां पर आदमी रहते हैं, यानी कि यार उसमें है ना कॉलोनीज बनी हुई होती है। तो यार वो तो एक मूवी थी और मूवी में कुछ भी सच नहीं होता है, लेकिन यार हमने सोचा क्यों ना एक सच के स्पेस शटल में रहा जाए और एक्सपीरियंस किया जाए कि यार कितना मजा आता है एक स्पेस शटल में 24 आवर्स बिताने में। तो यार जो आज का वीडियो है ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज हम बिताएंगे 24 आवर्स एक स्पेस शटल में। हम एक ऐसी लोकेशन पर आ चुके हैं जहां पर बहुत सारे स्पेस शटल बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्पेस शटल के अंदर और अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अंदर जा रहा है तू? हाँ। अगर तू अंदर गया तो 24 घंटे तक बाहर नहीं आ सकता। जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ। खाना पीना कुछ नहीं है अंदर? खाना पीना कुछ नहीं है। नहीं है ऐसे थोड़ी होता है। ए, पागल क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ। भाई अब वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता, मैंने उसको अंदर डाल दिया है और मैं भी चैलेंज में हूँ, लेकिन मैं जाने वाला हूँ बाद में। उससे पहले आपको बता देता हूँ एक बार इसका पूरा इंटीरियर। यहाँ पे आप देखो भाई जो ये स्पेस शटल है ना ये बिल्कुल रियल वाले स्पेस शटल की रेप्लिका है और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी विंडो है, इसकी मदद से हम आराम से तारे सितारे देख सकते हैं, फुल मजे ले सकते हैं। तो देखो बाहर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, तो चलिए फटाफट से अब आपको बताते हैं अंदर का इंटीरियर। तो दोस्तों ये है यहाँ पर हमारे स्पेस शटल का मेन गेट और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। भाई साहब गाइस ये है ना बाहर से देखने में झोपड़ा लग रहा था, लेकिन अंदर साहब देखो इसके अंदर फुल स्पेस है और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, एक नंबर। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, जो इसका गेट है ना वो काफी ज्यादा कमजोर है और जो रियल स्पेस शटल होता है ना उसका गेट दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी दूसरे प्लेनेट के ऊपर हवा नहीं है तो यार अंदर की जो ऑक्सीजन है ना वो बाहर ना निकल जाए, इस वजह से जो उनका गेट होता है ना वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे भाई ये अपनी प्यारी सी अर्थ है, यहाँ पे फुल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर वैक्यूम वाले गेट की कोई भी जरूरत नहीं, ये सिंपल वाला गेट यहाँ पे चल जाएगा। और बाकी यहाँ पर ये है किचन, ये है प्यारी प्यारी ग्लासेस और इसके अलावा यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, इसके अलावा ये चाय वगैरह बनाने के लिए केटल वगैरह ऊपर रखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखो गाइस कितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था ये सारी जो खाने पीने की चीजें हैं ना वो दोस्तों हम यूज तो करेंगे, लेकिन भाई हमारे बीच में होगा चैलेंज और जो चैलेंज जीतेगा उसी को ये सारा खाना मिलने वाला है, बाकी भाई इसी के अंदर भूखा मरता रहेगा। जी हाँ तो ये आपने हमारे किचन तो देख लिया होगा और ये रहा हमारा बेड जहां पर हम सोने वाले हैं। भाई यहाँ पर सोने के लिए भी हमारे पास में चैलेंज होगा, जो बंदा चैलेंज जीतेगा वो ही ऊपर सोएगा, बाकी सोएगा नीचे फर्श के ऊपर। भाई फुल मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप इस पूरी वीडियो को देखना। तो यार एक मस्त वाली होटल में आए और आप ये चीज ट्राई ना करें ये तो हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 ओ भाई गाइस कौन कौन अपने बिस्तर इसी तरीके से खराब रखता है और अपनी मम्मी से डांट खाता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। भाई मैं तो फुल डांट खाता हूँ और मेरे बिस्तर तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, क्या करें यार लड़के हैं जनाब ऐसे ही रहेंगे हम तो। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये लगा हुआ है एक बड़ा सा एसी, आप सोच रहे होंगे कि यार इतने बड़े एसी की यहाँ पर क्या जरूरत। गाइस जरूरत है क्योंकि जो ये पूरा रूम है ना ये यहाँ पर आप देख सकते हो केवल पॉलिथीन कपड़े से और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो आप सोच सकते हो भाई अंदर कितनी गर्मी होगी। और उसी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी वाली एसी का यूज किया है। भाई अगर ये एसी ना हो ना तो भाई मर जाए हम तो अंदर, काफी ज्यादा गर्म है भाई एसी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा गर्म, आप देख सकते हो भाई गर्मी भयंकर गर्म है यार। यहाँ पे गाइस आपने हमारा बेडरूम तो देख लिया होगा और इसकी मैंने पूरी हालत खराब कर दी है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाथरूम। तो यहाँ पर ये है गाइस हमारा शावर एरिया, यहाँ पे हम आराम से मस्त नहाएंगे। भाई इन लोगों ने मेहनत तो की है, ये केवल कपड़े का और पॉलिथीन का बना हुआ है और यहाँ पे आप देखो इन लोगों ने सब कुछ बना रखा है। भाई इसके अंदर ये रहा बेडरूम, यहाँ पर ये रहा शावर एरिया और ये रहा बाथरूम। अरे यार ये पोटी कर रहा थे, बंद तो कर इसको, गलत चीज के दर्शन हो गए यहाँ पर। और बाकी ये लुक काफी ज्यादा प्यारा है, देखो गाइस मस्त है ना। हाँ ये सारा लुक आप देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, एक नंबर। और जो ये सेम टू सेम लुक है ना ये लुक होता है दोस्तों जो स्पेस शटल होता है ना उसके अंदर, बाकी इसी वजह से ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है। अब आप देखो गाइस लग रहा है ना अंदर पूरी रोशनी आ चुकी है और अब काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। चैलेंज के अंदर हूँ मैं, यहाँ पर ये मोटा और ये घटर, ठीक है समरिया। तो गाइस इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग घर पे मार खाते हैं, इनकी मम्मी रोज दे दनादन
मैं तो एकदम अपने नीट एंड क्लीन, टाइम पे नाना धोना बिस्तर करना सब कुछ। सुगले कितने दिन हो गए नहाए हुए तुझे? मेरे को अभी नहा के आया हूं, जस्ट फ्रेश होके। झूठले गाइस, ये सब बेवकूफ बना रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फाइनली गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेड है ना, उसको अच्छी तरीके से किशोर ने क्लीन कर दिया है। थैंक यू किशोर, यू आर वेलकम। और अब हमारे बीच में होगा चैलेंज। तो यहाँ पर है ना, जो चैलेंज जीतेगा यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसको मिलेगा इतना सारा खाना। भाई ये तो मुझे मिलने वाला है, मुझे। अरे यार देखते हैं भाई, चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना गाइस। चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ कि चैलेंज क्या है। यहाँ पे आप देखो यार, कितने सारे डिस्पोजल है भाई, बहुत सारे डिस्पोजल है। और हम बनाएंगे डिस्पोजल टावर, और जिसका सबसे बड़ा टावर बनने वाला है उसको मिलेगा इतना सारा खाना। कोई मिलेगा ये तो? कुछ भी हो भाई, मुझे मिलेगा। आपको पता होगा मैं हर एक चैलेंज जीतता हूँ, देखना। हाँ देखते अभी तो, देख पता चल जाएगा। और गाइस, जो बंदा सेकंड नंबर पे आता है उसको मिलेगा थोड़ा सा कम खाना। यहाँ पे आप देखो गाइस, ये इतना सा खाना मिलेगा उसको, और जो थर्ड नंबर पर आएगा उसको और भी कम खाना भाई। और हमारे को मिलेगा केवल एक मिनट का टाइम। फाइनली तुम तैयार हो? Yes. कर दो टाइमर स्टार्ट। हाँ कर दे। एक मिनट का टाइम है, ठीक है? वन टू थ्री गाइस, एक मिनट का टाइम है। भाई साहब कौन जीतेगा कुछ भी नहीं पता यार। With a family and banging the streets, the game on lock, I stand with a key. Stand in my ground, I am planning a flee. Stand in my ground, I am planning my feet. Taking a stand. 7 second aur hai, 5 second aur hai. फाइनली गाइस, एक मिनट का टाइम पूरा हो चुका है, और अब देखते हैं कि सबसे ऊंचा टावर किसका है। भाई मुझे तो छोटा लग रहा है, चलो एक बार है ना ग्लास गिन लेते हैं और फिर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले गाइस हम गिनेंगे मोटे के ग्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 ग्लासों का टावर है इसका, काफी ज्यादा ऊंचा टावर है। और अब है किशोर की बारी, 1 2 3 4 5 6, इसका टावर है 6 ग्लास का। ओ भाई साहब, अब है मेरी बारी यार। चलो यार इसको भी गिनी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। किशोर सेम बराबर। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे मोटा आ चुका है, तो हम दोनों के बीच में वापस होगा गेम, और फिर ही डिसाइड होगा कि कौन है सेकंड नंबर पर और कौन है थर्ड नंबर पर। पहले हमारे टावर बराबर में थे, तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो वन कर रहे स्टार्ट, टाइम स्टार्ट कर दे, रुक जा। वन टू थ्री, भाई टाइम भी तेजी से बढ़ रहा है और इन दोनों के हाथ पैर भी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। क्या हुआ किशोर? किशोर क्या हुआ? वही चला गया वो तो। क्या हुआ? कौन से वाले लेगा, कौन से वाले लेगा? अरे क्या हो गया, हार गए तो? हार गया मैं, चलते कुरकुरे खाऊं ना थोड़े से। तो गाइस यहाँ पर किशोर ने पहले ही हार मान ली है। किशोर खुश है इसके अंदर? ये बहुत मान लिया। क्या हुआ, हार क्यों मानी तूने? बन नहीं रहा है, दो बार बनाया दोनों बार गिर गया, गुस्सा आ गया, फिर क्या करूं। गाइस यहाँ पे देखो भाई, इसको कितने सारे वेफर्स, कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक, ये इसने ओए मेरे मत छीन, मेरे तो छीनना भी मत। भाई ये कुत्तों की तरह वापस लड़ने लग गए, देखो आप आगे। मेरे तो हो गया मेरा काम, हो बढ़िया है। मेरे तो पास ये भी आ गया, ये देख कितना प्यारा सा बिस्किट है भाई। मैंने तो यहाँ पर आप देखो मेरे वेफर्स वगैरह बचा लिए, आराम से खाऊंगा मैं तो मस्त। तो यहाँ पर गाइस हम सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं। इसका सारा सारा खाना किशोर ने चोरी कर लिया। मजा आ गया। कैसा लग रहा है? मैंने दिमाग लगाया, मैं सोचा हार जाऊंगा छीन लूंगा, फिर वही काम हुआ। यही होता है, और कुछ नहीं होता। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली जो सूरज है वो डूब चुका है। और यार बच गया मैं गाइस, अभी मैं बाहर निकल जाता और मेरा चैलेंज टूट जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब, ये है पूरा बाहर का लुक जो कि है एक नंबर। बाहर का नजारा तो आपको बता दिया है, तो चलिए अब आपको बताते हैं जो अंदर से बाहर का व्यू दिख रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। किशोर ये क्या कर रहा है तू? अरे ये सर वो देना देना गाइस, ये है ना स्क्रू खोल रहा है इसके। अरे ये पूरा नीचे आ जाएगा भाई, वापस लगा देता हूँ यार। क्या
क्या हरकत है रही है, क्या हरकत है, दब जाएगी, गवार पूरा नीचे आएगा ही है, सर और फूटेगा, वापस लगा इसको, लगा देता हूं गाइस, ईशा भाई इसको खोल कर घर पे लेके जाएगा इसको, वही सोच रहा हूं यार। ये रहा अपना किंग साइज बेड, तो इसके ऊपर सोने के लिए भी होने वाला है कंपटीशन, और जो भी बंदा कंपटीशन जीतेगा वही बेड का राजा होने वाला है, और वही यहाँ पर सोने वाला है, अगर वो चाहे तो किसी को भी सुला सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब की मर्जी उसकी चलेगी। तो तैयार हो तुम कॉम्पिटिशन के लिए? जी बिल्कुल, बेड का राजा तो मैं ही बनूंगा, देखते है की गाइज चैलेंज में। हाँ मुझे पता है तू भी है चैलेंज में, तो गाइज मोटा भी चैलेंज में होने वाला है, तो आ जा साइड में, और अब मैं आपको बताता हूँ की कॉम्पिटिशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली ये वाला होने वाला है कंपटीशन, हमारे पास में तीन टारगेट, ये है एक बंदूक, अभी गाइस ये केवल ट्रायल है, ठीक है ना, तो फिर हमारे को निशाना लगाना है इस गेट के ऊपर, नहीं लगा। अगर गाइस जो ये स्टिक है वो गेट के ऊपर चिपक जाती है, तीनों की तीनों स्टिक, तो यार वो इस बेड का राजा बन जाएगा। तो गाइस सबसे पहले किशोर की बारी आ चुकी है, तो किशोर लगा दे निशाना। अरे अरे यहाँ से ही लगाना है, यहाँ से लगाना है। हाँ ऐसा तो तू पास में जाके लगाएगा, ठीक है, तीनों लगने चाहिए, अरे एक भी नहीं लगा। हार गया तू तो हार गया, चल ठीक है गाइस लगाने देते हैं, क्या पता किसी और से एक भी ना लगे और फिर ये जीत जाए। बेड का राजा तो मैं ही बनूंगा, देखते हैं भाई, ये भी नहीं लगा किशोर, तू तो नहीं बनने वाला, पक्का है भाई तू तो हारेगा, ये लास्ट चांस है। तो गाइस अब है मेरी बारी, तो चलिए निशाना लगाते हैं। नहीं जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ, पता है चिड़िया की आंख। हाँ ठीक है, अर्जुन लगा ये वो चिड़िया की आंख नीचे, मैंने बोल दिया तो नहीं लगेगा, तो नहीं मुझे अभी चिड़िया की आंख दिख रही है। हाँ ठीक है, वो नीचे लगा रहा है ना। अरे यार गाइस अगर अब मोटे ने एक भी निशाना लगा दिया ना, तो सच में ये जीत सकता है, क्योंकि यार मेरे से अभी एक भी निशाना नहीं लगा। वाह चलो मेरा टास्क आ चुका है गाइस, मैं तो बुरी तरीके से हार गया यार, एक भी नहीं चिपका। फाइनली अब मोटे की बारी है, और अगर अब मोटा एक भी जो टारगेट है वो चिपका देता है वहां पर, तो ये जीत जाएगा और भाई साहब इस बेड का राजा बन जाएगा। मोटे लगा दे निशाना, ओ भाई साहब हम दोनों की किस्मत खराब, यहाँ पे मोटे ने अच्छी तरीके से निशाना लगा दिया है और अब ये इस पूरे के पूरे बेड का राजा बन चुका है। ओए मुझे तो सुलाएगा ना, नो तेरे भाई को नहीं सुला रहा, पर जा नीचे बैठ जाओ, गुड नाइट है वहाँ पे जाके घंटा। गाइस मैं तो यहाँ पर ही सोने वाला हूँ, आराम से आ जाएगी यार दो बंदे यार। यार राजा होने का कोई मतलब नहीं रहा, प्रजा ने उठा के बाहर फेंक दिया, सिंहासन भी छीन लिया मेरा, क्या हालत कर दी राजा की। सो जाना चुपचाप, सोने देना, फोकस कर, प्लीज। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों को क्या करना है, बस रूम के अंदर 24 आवर्स ही तो बिताने हैं। भाई यही से तो खेल स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर आप किसी चेयर के ऊपर बैठे हो तो आपको पता होगा कि यार आप थोड़ी देर में कितने बोर हो जाते हो, तो यार ये तो बस 300 स्क्वायर फीट का रूम है भाई, ये रहा केवल बेड, और अगर अपन इस साइड में देखे तो ये आ गया बाथरूम, बस इतना छोटा सा रूम है, और यहाँ पे हमारे को 24 घंटे बिताने हैं, और अभी तक तो केवल 11 घंटे कंप्लीट हुए गाइस, पूरी रात बाकी है और अभी तक कल का दिन भी बाकी है, और मेरा तो अभी से दिमाग सटकने लग गया बुरी तरीके से भाई। पर्दे हैं वो हटाने वाला हूँ ताकि थोड़ा मूड फ्रेश होता रहे। जी हाँ दोस्तों, बाहर के नज़ारे है ना वो थोड़ा मैं देख पाऊँ, बाकी तो यार बोर हो जाऊंगा बुरी तरीके से। ये तो देखो सो रहे हैं घोड़े बेच कर किस तरीके से, जानवरों की तरह मेरे लिए ये रही यहाँ पर जगह। वैसे तो गाइस मोटा इस चैलेंज को जीता था, लेकिन हमने जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और अब हम आराम से तीनों सो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's all right. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost, but it's so. Hello guys, good morning सभी को. सबसे पहले मैं ही उठा था, अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो अब कम्प्लीटली आपका भाई रेडी हो चुका है, फ्रेश भी हो चुका है, ब्रश भी कर लिया, अब इनको उठाते हैं। किशोर अंदर गाइस नहाने गया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसका पानी बंद कर दूं ऊपर से। किशोर क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, जल्दी ना, मुझे भी नहाना है, ठीक है। तो गाइज मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो फाइनली गाइज मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, तो चलिए अब कर देते हैं इसका वॉल्व बंद, मजा आएगा यार।
तो गाइज मैंने वॉल्व बंद कर दी है और किशोर की बुरी तरीके से आके फूट रही होगी यार, भयंकर वाली। वो चिल्ला रहा है अंदर से कि कॉल कर, पानी स्टार्ट करवा। उसे क्या पता पानी तो ऊपर से बंद है। क्या है? अरे कॉल कर दिया मैंने। क्या हुआ? उठ रही यार। ये ऐसे क्या उठ के आ रहा है तू? पानी यार आके उतर रही मेरी। अरे तो कॉल कर दिया ना। कितनी देर में आएगा? मुझे क्या पता कितनी देर में आएगा पानी यार। जल्दी कर यार, पानी बोतल दे यार उधर से। आके तो दोनों ऐसे ही रहे तू, अभी वो स्टार्ट कर देगा पीने का पानी बिगाड़ेगा तू। कोई बात नहीं, और लेकर आएंगे। इधर हाथ फूट रही वाली दिख रही है भाई साहब। ये गजब है, ये गजब है, गजब है। कैसे उठ लेगा पानी खत्म कर दे सालों भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो किशोर पीने के पानी से मुंह धो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा भाई। तो क्या हुआ, आंसू नहीं चढ़ी है ना आंखें? अरे यार उसको बोल तो सही, नहाऊंगा सही ना, पानी तो आके तो सही होगी। अच्छा यार उसको मैं क्या बोलूं, ऊपर से वापस वॉल्व स्टार्ट करना पड़ेगा। ऊपर से कैसे? ऊपर चढ़कर। मतलब ये तुम्हारा काम है? तभी मैं सोचो ऊपर से आवाज आ रही गाइस दम दम की, इनके हाथ की तो मुझे पता चल गई थी पहले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नाथ होकर तैयार हो चुका हूँ। तो यार आप भी जाया करो कभी कभी, ईयरली मैं हर एक साल में एक बार आता हूँ। इन लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा है तो देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी इन लोगों ने। अच्छा और ऊपर जाएगी, हमारे सपनों का महल है। ओ ये तू बाहर तो एक बार, तेरी तो खटिया खड़ी करेंगे। बाहर आ बेटा, तू बाहर आ फिर बताऊं तेरे को मैं। भाई इतनी मेहनत से घर बनाया था, पूरा का पूरा तोड़ दिया। गाइस इसको बाहर आने दो, ऐसी हालत करेंगे, ऐसी हालत करेंगे, आप याद रखो। किशोर राजा, किशोर राजा सच्चे दिल से बनाया था इतना बड़ा घर, पूरी मेहनत पानी फेंक दिया वहाँ। ये बनाएगा उसको बिठाना वहाँ पे गाइस। बाहर में गया स्पेस शटर, मैं तो बुरी तरीके से बोर हो रहा हूँ, बस बाहर निकलना है। मेरे देश की धरती सोना उगले, यहाँ पे सारे पाँव है ना साफ करते हैं, ये देश की धरती नहीं, नीचे देश की धरती। ये क्या कर रहा है? और जा नहीं पा रहा हूँ इसलिए ऐसी छू रहा हूँ। यहाँ पे पाँव साफ करते हैं, ये नहीं है देश की धरती। कब निकलेंगे बाहर? मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे बाहर निकलना है बस। ये चैलेंज है ना, ये जल्दी से खत्म हो जाए यार। बाथरूम में कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ से रूम स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी तो गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो किशोर कर रहा है पुशअप। किशोर मुझे उठा लेगा तू? हाँ बैठ जा। पक्का उठा लेगा? हाँ हाँ। ये नज़ारे देख देख के मैं बोर हो गया, मुझे बाहर निकलना है। किशोर भी बुरी तरीके से बोर हो रहा है। हाँ तो फालतू हम हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। दस नौ आठ जो हमारा चैलेंज है वो खत्म हो चुका है। ओ भाई यार साहब अब जाके सुकून मिल रहा है। इसके अंदर हमने बिताए पूरे 24 hours। जी हाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था और फिर हम बाद में लगातार बोर होने लग गए थे। एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मस्त था, लेकिन यार दिमाग घूमने लग जाता है भाई जब आप एक ही एक चीज़ देखते हो तो। कुछ भी हो यार, फाइनली इस चैलेंज को हमने पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।